हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैं इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप यहां पर फिंगरप्रिंट लॉक को सेट करेंगे, ये है वीवो के मोबाइल में। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बात और कहना चाहूंगी, आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, घंटी का ऑप्शन पे क्लिक करना ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके लिए आपको यहाँ सेटिंग पर क्लिक करना है। तो सेटिंग का ऑप्शन है, ओपन करेंगे आप, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर जो आपको ऑप्शन मिल जाता है वो है फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड। इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे आप, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर जो आपको ऑप्शन मिल जाता है वो है फिंगरप्रिंट, इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप फिंगरप्रिंट को ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको ऐड फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना है। अगर पहले से आपका लॉक स्क्रीन पासवर्ड सेटअप नहीं है तो आपको सेट करना होगा, जिसमें आपको 4 डिजिट 6 डिजिट एंड पैटर्न, आपको अल्फाबेटिंग पासवर्ड का ऑप्शन मिल रहा है तो इस पर क्लिक करके आपको चेंज कर लेना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ पैटर्न की, तो मैं पैटर्न ढूंढ करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर तो हम स्क्रीन लॉक पासवर्ड सेटअप कर रहे हैं, तो काउंटिंग होता है, ये स्टार्ट हो जाता है 3 सेकेंड का और इस पर काउंटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे आप। तो ये दोबारा आपको सेम पासवर्ड वही आपको टाइप कर लेना है। अब स्क्रीन लॉक हमारा सेट हो चुका है। अब इसके जो सेंसर है आपको इसी तरीके से टच करते रहना जब तक आपका फिंगरप्रिंट सेट नहीं हो जाता तब तक। तो हम इस पर इसके सेंसर पर फिंगरप्रिंट डालेंगे और टच करेंगे इसी तरीके से, बस इस तरीके से आपको टच कर जाना है, इसके सेंसर पर रख करके टच करते जाना है और करते जाना है, ये हो जाएगा। और कंटिन्यू पे क्लिक करना है, दोबारा आपको एक बार टच करना है और करते जाना है, दोबारा आपको सेम ऐसे ही करना है, ओके पर क्लिक करना है। अब लॉक करूँगी मैं और चेक करके दिखाती हूँ, ये देखिए ओपन हो चुका, फिर लॉक करेंगे एंड चेक, ये देखिए ऊपर हो चुका। तो इस तरीके से आप फिंगरप्रिंट को सेट कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, घंटी का ऑप्शन पे क्लिक करना ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।